अचू के केंद्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री सह चंदन क्यारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा, साथ ही एक ट्वीट किया है। मनरेगा मजदूरी भुगतान को लेकर उमाकांत रजक ने सीएम को लिखा पत्र और ट्वीट। चंदन क्यारी के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान को मांग के लेकर पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि चंदन क्यारी के मनरेगा मजदूरों का मजदूरी लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा है, वहीं कोरोना प्रकोप का हर घर शिकार है, इससे इनकी जिंदगी मुश्किल पड़ गई है। मजदूरी का भुगतान अविलंब नहीं हुआ तो कोई भी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनहोनी की घटना को टालने के लिए मजदूरी का भुगतान करना नितांत आवश्यक है। इन मजदूरों को बदहाली में नहीं छोड़ा जा सकता है। श्री रजक ने कहा कि मनरेगा मजदूरी भुगतान हेतु सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि काम के 15 दिन बाद मजदूरी भुगतान करना है। भुगतान में देरी होने पर अधिकारियों के वेतन से काटकर मनरेगा मजदूरों को क्षतिपूर्ति देना है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आलोक में सीएम मनरेगा मजदूरों को वेतन भुगतान में देरी कर क्षतिपूर्ति के साथ मजदूरी का भुगतान का आदेश दें। उन्होंने जिला प्रशासन से भी कहा है कि मनरेगा मजदूरों के मजदूरी भुगतान मामले को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह बिल्कुल सरकारी योजना पर निर्भर है, उनका वेतन रोकना अमानवीय है। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन। वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड। वेलकम टू अरेबिया, सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हां, नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।